पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि वर्ल्ड वॉर का क्या रीजंस रहा है। बहुत सारे रीजंस रहे हैं, उसमें एक मोरक्को क्राइसिस बहुत बड़ा रीजन रहा है। मोरक्को में वो इंडिपेंडेंस मांग रहा था वहाँ का लोग से, ठीक है ना, और उसको फ्रांस पकड़ के रखा है और इसके अगेंस्ट जर्मनी ने हेल्प कर दिया था। ये चीज़ हमको 1911 में भी दिखता है कि मोरक्को को लेके उसने वॉइस को रेज किया था। तो ये चीज़ हमको साफ साफ नज़र आ गया कि जो इंटरनेशनल जो इश्यूज है उसको टच करने का प्रयास कर रहा है दोनों रावल पावर्स। तो एक मोरक्कन क्राइसिस के बारे में बता दिए थे। बाल्कन जो क्राइसिस है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो सर्बिक पॉपुलेशन है। अब बताओ ऑस्ट्रिया आप नहीं गाना गा रहा है, उधर सर्बिया है, सर्बिया को रशिया हेल्प कर रहा है कि स्लेविक पॉपुलेशन लो, तो दोनों में एक आमने सामने वाला जो सिचुएशन है दिख रहा है कि कन्फ्रंटेशन हो रहा है दोनों के बीच में। यस, तो हमने यही बताया था कि बहुत सारे कंट्रीज़ थे, क्रोशिया है, सर्बिया, अभी भी देखोगे सब मिल जाएगा कंट्रीज, सब बोस्निया है, रोमानिया है, बल्गेरिया है, बाल्कन में ये सब चीज़ हो गया। जर्मनी और जब बाल्कन रीजन ने अटैक किया था, बाल्कन स्टेट्स ने अटैक किया था टर्की को, और बहुत सारे एरियाज ऑटोमन एम्पायर को उसने कैप्चर कर लिया। तो जर्मनी और ब्रिटेन दौड़ते हुए इमीडिएट किया और सीज फायर वहाँ पे कर दिया। करेक्ट कमल। तो बाल्कन पीपल जो थे नेशनलिज्म का बीज बोना चाहते थे, और जियो इसके लिए नेशनलिज्म मैड रेस में पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया नेशनलिज्म, ये बताओ ना। इन्हें एक्स्ट्रा ये मैड नेशनलिज्म की वजह से ही नहीं इतना कुछ टेरिटोरियल एक्सपेंशन का बात हो गया, है ना। ये रसिया और ऑस्ट्रिया हाईली एंटोगनाइज था, यानी कि दोनों ही पूरी तरीके से राइवल पावर है बाल्कन रीजन में। रसिया जानते हो फॉरेन पॉलिसी में पैन स्लेविज्म अपना बात था, यानी कि हम स्लेविक पॉपुलेशन मेरे अंदर रहेगा, उसके लिए हम सर्बिया को सपोर्ट कर दिया इसने, है ना। ईस्टर्न क्वेश्चन पे सवाल था, ईस्टर्न क्वेश्चन क्या है उसको हम व्यापक रूप में जानेंगे, एंड सो ऑन। यही बोला था कि डर लग रहा था इसको कि सर्बिया लुक्ड एट चैंपियन ऑफ लिबरेटर ऑफ द स्लेव्स, सर्बिया लग रहा था कि स्लेविक पॉपुलेशन जितना है उसके चैंपियन है, यही है, सर्बिया ही डोमिनेट कर रहा है। नहीं बोलता कि हिंदू सम्राट राज पधार रहे हैं तब लगता है कि हिंदू का सब ठेका लिया है, वही नहीं होता। मैं उससे बढ़िया बढ़िया लोग बैठा हुआ अपना मेडिटेशन कर रहा कहीं पे, जो उससे ज़्यादा सोचता है हिंदू के बारे में कि नहीं। तो वही बोला कि सर्बिया अब चैंपियन और लिबरेटर बन गया इस्लामिक पॉपुलेशन। अदर हैंड ऑस्ट्रिया, तो उसका भी मल्टी कल्चरल एथनिसिटी ऐसा है कि उसमें सर्बियन पॉपुलेशन फिट बैठता है वहाँ पे उसका, दोनों कन्फ्लिक्ट हो गया। हाँ सी फेट, अब जो सर्बिया जिस तरह से ले जा रहा था तो ऑस्ट्रिया को डर लग रहा था कि भाई सर्बिया तो पूरा अपना चपेट में ले रहा है, लिबरेटर बोल रहा है, चैंपियन बोल रहा है, तो ऑस्ट्रिया को डर लगा इस चीज़ का, समझे। तो डर लगा तो जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि सोचा कि ऑस्ट्रिया का एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उधर चला जाएगा, क्योंकि इसका रिपरकर्शन होता है ना, एक जगह पर कहीं सपोर्ट हो गया तो क्या अंदर चला जाएगा। तो फर्स्ट बाल्कन क्राइसिस ये 1908 में हुआ था, जहाँ पे ऑस्ट्रिया ने देखो बोस्निया को अटैक किया, बोस्निया स्लैश हर्जिनो गोविना करके एक जगह है, वहीं पे है, मैप में दिख जाएगा, ठीक है, जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, ठीक है, बोस्निया और हर्जी गोविना, ये जो नाम है जैसे ऑस्ट्री हंगरी बोलते हैं ना, इस तरह बोलते हैं इसको, ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, उस जगह को अटैक किया 1908 में, वहीं पर पहला बाल्कन क्राइसिस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सर्ब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थे, तो इस तरह हुआ था ऑस्ट्रिया का एनेक्स। ऑटोमन एम्पायर छोड़ो, अपार्ट फ्रॉम ऑटोमन रसिया एंड सर्बिया हैड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, अपना अपना इंटरेस्ट था रसिया और सर्बिया का, इसलिए एक साइड थे, अपना इंटरेस्ट था इस प्रोविंसेस में, जहाँ पे बोस्निया एंड हर्जेगोविना में जो ऑस्ट्रिया ने अटैक किया था वहाँ पे बाबू रसिया और सर्बिया का भी अपना इंटरेस्ट था, क्योंकि बाबू वो गेटवे है तुम्हारा मेडिटेरियन सी को लेकर, ब्लैक सी को लेकर, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसका उस जगह का। तो टू मेक मैटर्स मोर कॉम्प्लिकेटेड लार्ज स्लेव पॉपुलेशन ऑफ टू प्रोविंसेस लेट, अब बताओ वहाँ पे नेशनलिस्टी का बीज बो दिया गया अपने अपने स्टाइल से। सर्बिया ट्राई टू मोर देन फर्दर द, सर्बिया ने और कोशिश किया कि और वो कर ले पैन स्लेव एम्बिशंस को अपना पूरा करे। सर्बिया एंड रसिया अलार्म्ड बाय द एग्रेसिव, ऑस्ट्रिया से डरा हुआ है, अलार्म्ड है, अलर्ट है, अलर्ट है, इसके वजह से सेकेंड बाल्कन वार फिर से होना ही था, और यहाँ पे आमने सामने ऑस्ट्रिया और सर्बिया का सपोर्ट करेगा रसिया, समझ लो। ये देख लो बाल्कन क्राइसिस दो बार वही स्लेविक पॉपुलेशन, तुमको हल्का हल्का ही पता है तो वहाँ बोल दोगे बाल्कन क्राइसिस स्लेविक पॉपुलेशन टेरिटोरियल एक्सपांशन टर्की एम्पायर, बस चार पांच वर्ड खेल दो ना घुमा के, बस एक सेंटेंस चाहिए उसको,
यूपीएससी को, क्योंकि बहुत कुछ लिखना है और भी बहुत सेंटेंस है। बोले प्रॉपर रीजन दो, तो क्या है सर्बिया पे ही खींच थोड़ी देगा, सर्बिया का एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा वहाँ लिखेगा तो लगे कि एक लाइन में सब कुछ आता है इसको। उस लेवल का लाइन लिखोगे ना कि ऐसा लिख दोगे कि समझ में आ जाएगा कि इसको सब आता है उसके अंदर, एक लाइन में इसने सब कुछ बोल दिया है। तो मैच्योर जिसको बोलते हैं, जैसे कि तुम्हारा आंसर आज का था आंसर, उस लेवल का मैच्योर होना चाहिए। कीवर्ड नहीं, ठीक है ना, उस पर बात करेंगे बाद में ही जब लिखने का बात होता है। तुम लोग लगवाओ क्लास को लिखने का यार, मेरा ऐसे हाथ में कुछ नहीं मिलेगा तुम लोग को। इमीडिएट कॉज, हाँ देखो अब लिखने के वजह से नहीं आज कोमल को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आज यदि लोग कोमल को लिखना ही नहीं आता, कोमल आज तो बहुत अच्छा आइडियल आंसर लिखी है कोमल आज, बिकॉज अब हाथ खुला है इसका एथिक्स में, तभी इतना बेस्ट दे पाई। आज कोमल ने लिखा है वो हमको भी चौंका दिया, इसने इतना अच्छा आंसर हम भी नहीं लिख पाएंगे, मैं फ्रेंकली बोल देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मैच्योर आंसर लिखा है इसने, इसलिए हमने बोला कि ये आइडियल आंसर है, इसी को चिपका दो। नो इफ नो बट बेस्ट, कभी कभी आंसर ऐसा मिलता है ना कि अब तुम क्या बोलेगा अगला वाला, कुछ ज़्यादा ही हद अच्छा हो गया, तुम्हारा बॉक्स से ऊपर चला गया वो चीज़। तो आंसर ऐसा ही होना चाहिए, ये कोमल यही आंसर रिक्वायरमेंट है यूपीएससी में, इसी लेवल का मेच्योरिटी की आवश्यकता है सिविल सर्विस में। अभी तक का इस क्लास का सबसे बैलेंस्ड आंसर है किसी भी क्वेश्चन के लिए अभी तक का जो तुम्हारा है, कोई डाउट नहीं हमको ये बोलते हुए, बेस्ट करो लिखो, ठीक है ना, बेस्ट बेस्ट, हमको लंबा समय तक याद रहेगा तुम्हारा ये आंसर। इमीडिएट कॉज देखो, अब देखो सेकेंड बाल्कन वार जो हुआ जहाँ पे सर्बिया वॉज कैप्चर बाय ऑस्ट्रिया, अब देखो सर्बिया ऑस्ट्रिया ने कैप्चर कर दिया कन्फेडरेशन, क्योंकि जानते हो सेकेंड में कन्फेडरेशन हो गया, आमने सामने आ गया, तो सर्बिया वॉज कैप्चर बाय ऑस्ट्रिया, तो प्रोटेस्ट हो गया वहाँ पे कंट्री में। द प्रोटेस्ट फाउंड एन एक्सप्रेशन इन द रूलर ऑफ ऑस्ट्रियन आर्क ड्यूक फ्रांसिस फ्रेडर, तो जो ऑस्ट्रियन एम्पायर ऑस्ट्रेलियन वो ऑस्ट्रियन का जो किंग था फ्रांसिस फ्रेडर, वहाँ पे भी दिखा, उसको वाइफ में भी दिखा, इन द कैपिटल ऑफ बोस्निया, और इसमें क्या होगा मर्डर हो गया इसका। द क्राइम वॉज कमिटेड बाई फेंटिक सर्बियन हु वॉज द मेम्बर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी, ब्लैक हैंड करके एक सोसाइटी था, उसने कुछ कमिटमेंट कर दिया, मर्डर कर दिया इसका ऑस्ट्रियन आर्क ड्यूक फ्रांसिस फ्रेडमन का, ठीक है। ऑस्ट्रियन आर्क मतलब ऑस्ट्रिया का जो बहुत बड़ा किंग पोस्ट पे था, ठीक है, ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने अटैक किया सर्बिया पे, इस चीज़ को खुन्नस निकालने के लिए वहाँ पे एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम है ब्लैक हैंड, उसके लोग ने क्या कर दिया ऑस्ट्रियन किंग को फ्रांसिस फ्रेडमन को और उसके वाइफ को मार दिया, मर्डर कर दिया बोस्निया में। ये इमीडिएट कॉज है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर अनअवॉइडेबल, क्योंकि इतना बड़ा पोस्ट का आदमी है। देखो अब राजीव गांधी मरे थे, सिख दंगा कितना बड़ा भयंकर हुआ था, क्योंकि आदमी का सिंपति लोग बहुत जुड़ा हुआ है यार, कुछ भी हल्का भी भाषणबाजी दोगे वहाँ से पूरा मॉब निकल पड़ेगा, स्थिति ऐसा आ गया। दिस ऑस्ट्रिया एंड सर्बियन वर गॉट ट्रांसफर इन टू, वही ऑस्ट्रिया ये ट्रांसफॉर्म हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ऐसे लोहा गर्म था, सबका अपना अपना प्रॉब्लम था, ये एक इमीडिएट रीजन बना, फूट गया गया समझा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया, ये इमीडिएट कॉज है। इसके बारे में जो अंदर का फैक्ट है वो भी एसोसिएटेड है, वो भी उसमें है बताएं। देखो बाल्कन में देखो यही है, बाल्कन का जो यहाँ पे दिया गया, देखो देखते रहो वहाँ पर ब्रिटेन जर्मनी किस तरह, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया, ऑस्ट्रिया कैप्चर किया सर्बिया को, सर्बिया कैप्चर किया तो इस तरह का इंसिडेंट हो गया, रशिया हर समय सर्बिया को वो कर रहा है ना, फिर टर्की को उसने अटैक किया, किसने टर्की को अटैक किया, ऑस्ट्रिया ने अटैक किया था, उसका ऑटोमन एम्पायर का बहुत सारा जगह ले लिया था, रिजल्ट हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वही ट्रिपल अलायंस ट्रिपल एंथम के बीच। अब देखो अब आएगा बाबू, आ गया हलवा वाला आ गया, यूएस पार्टिसिपेशन ये आएगा, और अभी कोई पावर में नहीं है, अभी इसको दिखाना है कि हम भी यूरोपियन पावर में बाबू, हम भी एक रोल प्ले करना चाहते हैं बस। अभी सब पावरफुल सब बैठा है, इंग्लैंड ब्रिटेन फ्रांस कहीं सीन में नहीं यूएस, ठीक है ना। तो अब यूएस आएगा, देखो यूएस के क्यों, आखिर यूके के कोक से जन्मा है तो रहेगा ही रहेगा, वो एफिलिएशन नहीं रहेगा, गोरा है जी, क्यों नहीं आएगा, रहेगा ही रहेगा सिंपैथी, बिल्कुल रहेगा होगा ही होगा। देखो यूएस इंटरफेयर अब कर दिया, रीजन क्या है क्यों पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जर्मनी का इंपीरियलिज्म कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा हवा में, एंग्लो सैक्सन पॉपुलेशन, वही बेटा बाप का बात कर रहे थे तो वही
और एक अफिलेशन रहेगा ही रहेगा, वो यूरोपियन पॉलिटिक्स को प्रभावित करना चाहता था, बस सिंपल। हम भी है भाई, तुम यूरोप यूरोप कर रहा, हम भी है। अब इस पर विश्वास तो कोई करेगा नहीं यूएस पे कि यूएस भी है, ये अपना पावर दिखाएगा तब ना कोई विश्वास करेगा। जर्मनी वॉज पासिंग थ्रे, क्योंकि यूएस शिप जो माइग्रेशन हो रहा है जर्मनी पूरी तरीके से दबाव पे था, यूएस शिप को लेकर वो कर रहा था, थ्रेट कर रहा था, तो बोला कि हमको आप शामिल होना होगा, क्या हमारा ट्रेड ये ब्लॉक कर देता है, हमारा शिप ब्लॉक कर देता है, तो हमको तो अब इनएविटेबल है मेरा अवॉइड, तो हम भी चाहेंगे कि जर्मनी हारे। यही चीज़ सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हुआ था। देखो तो क्या रीज़न है यूएस का पार्टिसिपेशन का फर्स्ट वर्ल्ड वार में, बता रहा हूँ। अभी अलायंस का फॉर्म नहीं है वहाँ, फिर भी इस तरफ हेल्प करेगा, ट्रिपल अलायंस के साथ, अलायंस अलायंस ही है ना, हाँ अलायंस ही है, एंटोन नहीं ना वो क्या है, अलायंस है कि एंटोन था, अलायंस है ना, एंटोन था, ओके ठीक एंटोन, चलो ठीक हाँ एंटो, हाँ 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 हाँ, क्योंकि जर्मनी वाला, जर्मनी ने ब्रेक कर दिया था एंटोन, तो वो चला जाएगा फ्रांस और ब्रिटेन के हाथ में, ठीक ठीक ठीक। एक्चुअल में एंटोन फॉर्म हो रहा था इसके साथ, मैं बिस्मार्क ने वो जब रिज़ाइन किया तो एंटोन उधर चला गया, याद करो ना। जर्मनी का एक बिग पावर बनना यूरोप में, ठीक है, ग्रेट थ्रेट था यूएस के लिए, क्योंकि यूएस कभी भी नहीं चाहता, कभी भी पसंद नहीं किया एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ जर्मनी, कोई भी नहीं चाहेगा क्योंकि ट्रेड के लिए खतरा साबित हो रहा था। दूसरा रीजन वही एंग्लो सैक्सन पॉपुलेशन है, ग्रेट सिंपति रहेगा ब्रिटिश को लेकर, और एंटी जर्मन एंटी जर्मन वाला फीलिंग्स था ही, इसलिए दे वांटेड अस टू अर्थ, इसलिए चाहता था कि यूएस पार्टिसिपेट करे। यूरोप गुड मार्केट था यूएस प्रोडक्ट के लिए, है ना, यूएस प्रोडक्ट के लिए जाना जाएगा, सोइल देखो वहाँ बेस्ट सोइल है यूएस का, और यदि कोई भी तरह का बात होता है यूरोप में, डिस्टर्बेंस होता है, तो यूएस को भी उतना ही प्रभावित करेगा वो चीज़, करेगा ही, तो ट्रेड को वो करने के लिए यूएस ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले, हाँ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता था यूरोपियन, दिखाना चाहता कि हम भी कोई कंट्री है, हम भी उठ रहे हैं, तब पावर दिख जाएगा ना इसका भी। देखो वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, अब ये थोड़ी बताएंगे कि बीच में क्या लड़ाई उड़ाई, वो तुमको जानना नहीं है, वो तो सैनिक झगड़ा किया अपना, है ना, वो थोड़ी तुमको बताया कि कमांडर ने क्या ऑर्डर किया, मारा पीटा, वो तो तुमको कहानी नहीं है। अब हो गया रीजन, यही जानोगे रीजन हुआ, युद्ध हो गया, युद्ध के बाद क्या हुआ रिपरकशन, युद्ध में क्या हुआ उसे क्या लेना है तुमको, खुद सोचो ना, शॉर्टकट नहीं है, यही है, ऐसे ही पढ़ाया था, तुम बाद में ऑप्शन में भी यही पढ़ोगे, रिजल्ट से तुमको पता चल जाएगा कि युद्ध में हुआ क्या था। रीजन एक रीजन बना, ऐसे तुमने सिविल सर्विस के लिए क्या किया, सब कारण बन गया, तो वो चीज़ थोड़ी कोई बताएगा, वो तो एग्जाम पास किया तीनों हो गया, अब ये थोड़ी बताएगा तीनों पेपर में तीन तीन घंटा क्या अनुभव किया, वो कहाँ थोड़ा, हाँ तुम बना उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, चंगड़ा लोग रख दिया आपने अपनी जगह पर, समझे, तो इम्पैक्ट से तुमको पता चलेगा, पहले भी तुम वही सोच रहा था, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, हमने बोला यही तो होता है, वार का थोड़ी बताएंगे कहाँ कहाँ कितना बंदूक ऑर्डर किया गया मारा गया, नो वो काम ही नहीं है तुम्हारा, वो काम थोड़ी है। देखो सोशल इम्प्लीकेशन, बहुत सारे लोग मर गए, समझे, डिसेबल्ड हो गए, क्रिपल्ड हो गए, सेक्स रेशियो पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा, सही बात है ना, लड़का लोग मर गया, लड़की ज़्यादा आबादी हो गई, लड़की लोग जा रही, इससे लड़की लोग को फायदा भी हुआ है, लड़की सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, थाउजेंड्स ऑफ फैमिली बेघर हो गए, घर में ब्रेड कमाने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए महिलाओं को जाना पड़ा, पूरा डिसहारमोनी है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म, डिस्ट्रक्शन हो गया, रोड रेलवे ब्रिजेस सब तबाह हो गया, इंडस्ट्री बर्बाद हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, परचेजिंग पावर लोग का वही जानता है कि जर्मनी का क्या हाल हुआ था, वही बताते थे ना तोस रोटी वाला, तुम लोग को ब्रेड वाला पूरा, जैसे तुम लोग एक महीना पढ़ लिया, इतना पैसा लेके आया, हम बोले ठीक है इस बार चलेगा, अगले बार से नहीं, वेनेजुएला का हाइपर इन्फ्लेशन वाला, केनिया वाला, समझा ना, ये हालत है कि बाबू तुम हमको फीस देने के लिए घर में सब कुछ बेच दिया और इतना पैसा लेके आएगी सर खुश हो जाएंगे, और हमने क्या बोला कि इस बार ठीक है अगले बार तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमको भी वही बोल रहा है जब पार्ले जी बिस्किट जा रहे थे, तो वो पार्ले जी बिस्किट भी नहीं ले रहा है मेरा उतना पैसा से, ये बहुत त्रासदी वाला कंडीशन होता है ना, जर्मनी में देखा गया था। एक इसका अच्छे से तुमको पता है, इसका क्लास नाइन्थ में बहुत अच्छे से पिक्चर भी दिया गया है कि ठेले में कैसे पैसा लेके जा रहा है, तुम पढ़े हो ना क्लास नाइन का, है कि नहीं उसमें, मुझे अभी भी याद है कि वो विजुअलाइजेशन अभी भी है, क्लास नाइन का पढ़ो, एनसीईआरटी लिखा है उसमें।
ऑल दिस लेड टू इकोनॉमिक क्राइसिस, परचेजिंग पावर घट गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, ग्रेट डिप्रेशन आ गया कि नहीं आ गया इन द यूएस, यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसका पूरा असर पड़ा दूसरे पर, है ना। ग्रेट डिप्रेशन जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई के बीच में कैसे डिसरप्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा बना के रख लिया था, है ना। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या हुआ, जर्मनी ख़त्म, इटली ख़त्म, ऑस्ट्रिया हंगरी ख़त्म, क्योंकि डिफीट हो गया ये लोग, ट्रिपल इंतोन दबाव पानी पिला दिया ये लोग को, और ट्रिपल इंतोन का भी तो बुरा ही हालत हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा करोगे तो पैसा उससे सब बर्बाद, मैन पावर बर्बाद, कितना प्रोग्रेस किए, बहुत नुकसान ही नुकसान। यूएस का पावर बनना मेजर अब प्लेयर बनेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, यूएस भी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। अब तो देखो, अब तुमको नहीं दिख गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ग्रेट डिप्रेशन यूएस में हुआ, पूरा वर्ल्ड में प्रभावित कर, वहीं दिख गया कि यूएस का कैसे पॉलिटिक्स पूरा वर्ल्ड को प्रभावित कर रहा है, वहीं पता चल गया ग्रेट डिप्रेशन से ही। तो यूएस का एक पावर बनना, मेजर पावर प्लेयर बनना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, हाँ लीग ऑफ नेशन का बनना कि कोई वार ना हो, मैं ये फेल कर गया जानते हो, बैलेंस ऑफ पावर चेंज, अब पावर पूरा शिफ्ट हो गया, अब क्योंकि ब्रिटेन उठ गया है, जर्मनी नीचे क्रश कर गया, इसको बदला लेने के लिए हिटलर आएगा, अब इटली का बदला लेने के लिए तुम्हारा मुसोलिनी आएगा, ये लोग काम नहीं किया ठीक से, अब बहुत पावरफुल बना देगा ये लोग को मुसोलिनी, मुसोलिनी भी वही है फासिज्म वाला जो था, हाँ समझे। हार्स टीटी फिर से जर्मनी पे इम्पोज किया गया, टीटी ऑफ वर्सायल्स, ठीक है। अब वहाँ से हिटलर का राइज होना, मुसोलिनी का राइज होना, नाजीजम बनना, फासिज्म बनना, क्यों इतना पावर बढ़ा देगा फिर, मगर देखता है पावर कितना साल तक। नेपोलियन देखा हिस्ट्री में, क्या देखा, क्या ये थ्रू आउट रहा है, नहीं रहा है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यही हुआ सबके साथ। हिटलर इतना पावरफुल बन गया था, बिस्मार्क देखो, सबका हश्र तो वही हुआ है ना। तो ये चीज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट सब जान लिए, तो ये चीज़ यहाँ पे इशू है, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। वर्ल्ड बिटवीन टू वार्स, तो बीच में ही बहुत सारे घटना घटे हैं, है ना, जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होना, जहाँ तक ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स जहाँ से निकला, ठीक है, वॉज अ मूव टू प्रिवेंट अनदर वार, ये तो एक्चुअली दूसरा वार ना हो इसलिए ना पीस ट्रीटी करवा रहे हैं, मैं ये रीज़न बना दूसरा वार होने का, क्यों, क्योंकि जर्मनी पे आपने इतना हार्श ट्रीटी लगवा दिया कि जर्मनी उसका रिवेंज लेना चाहेगा, है ना। पेरिस का जो पीस मेकर्स था वो मेटलिज्म से बाबू गाइडेड था, एडलिज्म से नहीं, बस अपना फ़ायदा फ़ायदा फ़ायदा, वो कोई आइडियलिज्म नहीं है उसका, कोई आइडियल नहीं है। फासिज्म का बढ़ना, उसका इम्पैक्ट होना, फासिज्म एक बाय प्रोडक्ट है फ्रस्ट्रेटेड नेशनलिज्म का ही, लेकिन ऐसे पागल हो गया कि रिवेंज लेना है, फर्स्ट मतलब क्या होता है, हमको किसी तरह बदला लेना है, हार गए थे, फासिज्म किस तरह कहा कि जो जो सीड है, जो बीज जो बोलते हैं, फासिज्म का बीज तो पेरिस ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स में ही रख दिया गया था, यानी कि पेरिस जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, उसी में बीज बो दिया है, क्यों, इतना हार्श ट्रीटी हम इटली पे नहीं लगाते, इतना हार्श ट्रीटी हम जर्मनी पे नहीं लगाते, इतना मैड नेशनलिज्म होता ही नहीं, फ्रस्ट्रेटेड नेशनलिज्म होता ही नहीं, ठीक है। हिटलर का बढ़ना है सो नाजिज्म एक बाय प्रोडक्ट है हिटलर का माइंड का, एंड ग्रेट डिप्रेशन एंड न्यू डील, ये सब तुम लोग को जानना है, और ये जानना है तो कितना कुछ है इसमें देखते हैं, कुछ ज़्यादा ही बता दिया गया इसमें जो कि तुमको अभी नहीं जानना था ये चीज़, ठीक है, ये तुम मत जानो अभी, ठीक है, ये काम नहीं है तुम्हारा, मैं फिर भी थोड़ा, चलो चलो है तो बता ही देता हूँ, चलो ठीक है बता ही देता हूँ, ठीक है ना, एक बार आएगा तो फिर उसमें भी ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 18 तक गया है, इसमें जानते हो पहला ब्लॉक जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, इसको हम बोलते थे ट्रिपल अलायंस, एक ट्रिपल अंतोंत है, ब्रिटेन फ्रांस है, रसिया, रशियन का रेवोल्यूशन भी एक साथ चल रहा है, तो रशियन रेवोल्यूशन में ही बात है, कार है वर्ल्ड वॉर में कर क्या रहा है तुम, ठीक है, डिफीट हो गया, डिफीट हुआ तो देखो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जहाँ ब्रिटेन फ्रांस है, इटली भी भागते हुए आया था, क्योंकि इटली ने धोखा दिया है वो ब्लॉक को, मामा सुकुनी वाला जो बताए थे तुम लोग कहाँ, है ना, मगर जो उस समय के जो पीएम थे इटली के और इंडियो करके, ठीक है, उनको बेइज्जत कर दिया गया, कोई सीरियसली नहीं लिया इसको, तो इस चीज़ का खुन्नस था इटली में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ लंदन हुआ था 1915 में, ठीक है, इटली, हाँ ट्रीटी ऑफ लंदन में ही इटली ने साइन किया था ब्रिटेन और फ्रांस, कोई बात नहीं हम रहेंगे आपके साथ, बिटर कर देंगे जर्मनी को,
ठीक है, लीग ऑफ नेशन बना कि विक्टर पावर जो है उसको सहयोग करेगा ये, और कोई तरह का फिर रिवोल्ट होने नहीं देगा, फेल कर गया पूरी तरीके से। तो कम जर्मनी चाहेगा कि फ्रांस से हम बदला, जर्मनी चाहेगा फ्रांस से बदला लेना, और फ्रांस ने बदला लिया है इस बार। तो इन दोनों का तो लंबा साल से ही चल रहा है तुम्हारा, है ना, बहुत लंबा समय से चल रहा है। ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स हुआ 1919 में, रख दिया गया जर्मनी पर, लगा दिया गया, जर्मनी को कंपनसेशन देना पड़ा। अब नो टू इम्पेरियलिज्म, अब तुम कॉलोनीज नहीं बना सकता है, हार गया है तुम लोग, बैठो चुपचाप शांति से। अब ब्रिटेन और फ्रांस ही उड़ेगा हवा में, जो उड़ रहा था पहले से, हाथ पर काट कर रख दिया नीचे, समझा। तो ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस रिजल्ट क्या हुआ, जर्मनी और इटली क्या, इकोनॉमिक लॉस हुआ, प्रेस्टीज का लॉस हुआ, क्राइसिस आया, पीपल चाहते थे कि ये क्राइसिस ख़त्म हो। इस सिचुएशन में क्या होगा, कोई ऐसा आ जाए, यंगस्टर आ जाए तो बोल दे कि भाई और बहन होकर के आ जाए, तो समझ रहा है ना, हो जाएगा ना, पकड़ लिया भाई। मुसोलिनी का राइज होना इटली में, हिटलर का राइज होना जर्मनी में, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आना 1929 में, फिर 1929 का ग्रेट डिप्रेशन को डील करने के लिए न्यू डील आया पॉलिसी, उस समय के US प्रेसिडेंट लेके आए थे, कुछ कुछ याद आ रहा होगा तुम लोग को। तो ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स हुआ, नाज़ीज़्म ये सब जान रहा है, सभी चीज़ टोटल। अब देखो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ऐसा ये कॉन्फ्रेंस तुम्हारा पेरिस में हेल्ड हुआ था, क्यों, पेरिस में देखते हो सब पीसे वाला चीज़ होता है, अब पेरिस में जो इतना भी कॉन्फ्रेंस होता है कितना रिलेवेंट होता है, चाहे 2015 का तुम्हारा वो ही क्लाइमेट वाला क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ पे विक्टर्स पावर लोग आए बैठे, ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट विड्रो विल्सन है, बहुत फेमस आदमी है वो, आया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी आया, डेविड जॉर्ज आया, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर भी आया, सब बेंजामिन जॉर्ज बेंजामिन सब क्या है प्राइम मिनिस्टर पावरफुल सब आया बैठा है। इटली भी आया था हो हल्ला करते हुए, उस समय का इटालियन तो तुम्हारा PM जो था, जिस फॉर्मेन लीडर्स पार्टिसिपेटेड PPC में पार्टिसिपेट की, कुछ जीते हुए हैं, इटली का डिमांड को बहुत सीरियसली नहीं लिया, इटली बीच में छोड़ के भाग गया, ठीक है। क्लास ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द पीस मेकर, और अपना ही अपना इंटरेस्ट में जीता ये लोग, खुद ही बाबू उलझ गया ये लोग। देखो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स ऑफ विक्टर पावर स्टार्टेड सेफ गार्डिंग द नेशनल इंटरेस्ट विच वॉज मांग बाय द प्रिंसिपल, अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा, ग्रुप का नहीं देख रहा, अपना मैं जो पूरी तरीके से तुम्हारा नेशनल इंटरेस्ट को देखते, यानी कि मेटरलिज्म, हमको जहाँ हमको ज़्यादा गेन होना चाहिए, हमको ज़्यादा गेन होना चाहिए, उस टाइप का। US का अपना डिमांड, US का दो डिमांड था, देखो हम यूरोपियन पॉलिटिक्स में डोमिनेट करना चाहेंगे, US विड्रो विल्सन, और ब्रिटिश नेवल पावर को हम डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। बाप को सपोर्ट करने के लिए आया था कि बाप को ख़त्म करने के लिए आया है, समझा। एंड US ऑल्सो वॉन्टेड टू चेक, हाँ जापान को भी चेक करना चाहेंगे, क्योंकि जापान उधर से बाबू पूरा हो वाला मार रहा है, जापान पूरा उधर से बाबू अलग ही तूफान स्पीड पे चल रहा है, वो तो किसी को समझा ही नहीं कुछ जापान ने, उसका हिस्ट्री बताए हैं तुम लोग को। ब्रिटेन का क्या है, बैलेंस पेमेंट ऑफ क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि हमारा जो ये जो तुम्हारा व्यापार जो है पैसा का बैलेंस, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, उसको वो करना चाहता था, बैलेंस करना चाहता था। ये जर्मनी को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता ब्रिटेन, क्योंकि ग्रेट मार्केट था, और ब्रिटिश का प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड फेमस, क्योंकि जर्मनी बिग मार्केट था, वही बोल रहा है, और ये चाहता था कि नेवल सुप्रीमेसी तो भाई हमारा ही रहे, हमारा जगह भी स्ट्रेटेजिक है और हमारा हिस्ट्री भी ऐसा है। फ्रांस का क्या था, फ्रांस वांटेड कंप्लीट सिक्योरिटी, उसको कंप्लीट सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहिए था, क्यों, क्योंकि दो बार बाबू वो जर्मनी से बाबू पटका जा चुका था पहले, दो बार दिया है उसको, फ्रांस को दो बार बाबू स्कोप से मिल गया है जर्मनी इससे पहले, है ना, अच्छा खासा लिया था, इसे चाहता था कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ही करवा दें, जर्मनी को इतना जलील कर दो, इतना गिरा दो, कभी उठ ही नहीं पाया। अब इटली का क्या डिमांड, देखो सबका अपना अपना डिमांड है कि नहीं है, इटली का डिमांड क्या है, इटली चाहता था कि भाई तुमको नारद मुनि की तरह हम काम किए हैं, 1915 में ट्रीटी ऑफ लंदन साइन किए हैं, इसी दिन के लिए हमको भी कुछ चाहिए यार, कुछ चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वार से हमको भी। 7 लाख इटालियन जाए, बताओ फर्स्ट वर्ल्ड में हमारा 7 लाख इटालियंस मरा, हाँ इटली है फाइनेंशियल लॉस हुआ, बहुत सारे टेरिटोरीज, इसलिए चाहता था कि टेरिटोरीज़म को दो, जो जो ट्रीटी ऑफ लंदन में 1915 में बोला था कि हम साथ देंगे तो हमको भी कुछ ट्रीटी दीजिएगा, दो हमको वापस करो, ठीक है, सुलझर गया ना वहाँ पे लड़ने के लिए भेजा, हाँ ये कह सकते हो, मैं ये बाबू अलग ही हिसाब से काम कर रहा होगा, बैक लेके चल रहा होगा,
यूएस प्रेसिडेंट विल ड्रॉ, तब ये बोला बाबू आप बताओ ये मुखिया वाला रोल प्ले करेगा, 14 पॉइंट देते हैं हम तुमको, यूएस भी पूरा हुआ है, क्योंकि यूएस का उतना नुकसान तो हुआ नहीं कुछ, सब सैनिक लोग मरा, यहाँ का यूएस का तो अपना अलग है। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो विलियम जो विड्रो विल्सन थे उसने 14 पॉइंट दिया, जो कॉन्ट्राडिक्शन था विलियम्स का विल्सन का अपना आइडियलिज्म जो उसका कोर फिलोसफी था उसके अगेंस्ट ही था, यानी कि बोलने दादी का दिखाने का दांत कुछ और हो अंदर का कुछ और, वही वाला बात, यानी कि अपने विचारधारा से कुछ नहीं। और 14 पॉइंट क्या था इसमें साफ साफ दिख रहा था कि 14 पॉइंट्स प्रोग्राम ऑफ विल्सन क्लेरिफाइड द इंटेंशन ऑफ यूएस, यूएस का क्या इंटेंशन है इस वार को लेकर। 14 पॉइंट्स का देखोगे तो प्राइमरी पर्पस ऑफ यूएस एंट्री इन वार वाज टू प्रिजर्व डेमोक्रेटिक एथॉस, जर्मनी को उस तरह नहीं, हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए लड़ना चाहते, इसी के लिए तो हम देश बनाए थे, ब्रिटिश को हम मारे थे मचोड़े थे दे रहा था, जानता है कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन ये सब चीज़ का बाबू बहुत बड़ा ये लोग बनाता है कि नहीं बनाता है पॉलिटिकल मुद्दा, ये लोग मारे तो उसका कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं, ये देखो हर समय फैक्ट है, ये अफगानिस्तान में ऊपर चलवा देगा उसको मारने के लिए तो उसमें तुम्हारा ह्यूमन राइट्स वायोलेशन नहीं होगा, सीरिया में इतना मरा तो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन नहीं हुआ, म्यांमार में कोई मर जाए और हांगकॉन्ग में प्रोटेस्ट हो जाए तो वहाँ पर आ जाएगा इसका ह्यूमन राइट्स का बात आ जाएगा, छत्तीसगढ़ में कोई नक्सलाइट मर जाए तब तो ह्यूमन राइट्स का इशू लेके आएगा इन लोग, तो ये भी सबको देखता है, सबको जान रहा है, कोई नया चीज़ थोड़ी है। देखो तो बोला है कि डेमोक्रेटिक इथोस क्या होना चाहिए वर्ल्ड में होना चाहिए, और नॉट टेरिटोरियल गेन, कोई टेरिटोरियल गेन नहीं, क्या होता है इंपेरियलिज्म, यानी कि साफ साफ फ्रांस और ब्रिटेन को बोल दिया है कि बाबू अब तुम्हारा लंबा समय नहीं है, लंबा समय नहीं है, भले ही टेरिटोरी बना कर रखा है तो एक वार्निंग तो मिल ही गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो रहा है बातें खत्म हो गए, अब छोड़ो जितना टेरिटरी हटाओ नहीं होगा आप लोग, हाँ प्रेशर क्रिएट हुआ है, इंडिया का आज़ादी का देखा है तुम लोग। तो ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स जो कि PPCIS, हाँ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से ही ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स जो जर्मनी पे इम्पोज किए थे, तो क्या देखो वही है 28 जून 1919 को हुआ ये चीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंड है जो कि PPC में ही हुआ ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स। इसमें प्रोविजन क्या है कि विक्टर पावर ने किया विदाउट कोई जर्मनी का कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई स्टेक होल्डर माना ही नहीं जर्मनी को, और ये लोगों जो मन किया जर्मनी को लगा दिया, जर्मनी हारने वाला पावर है तो तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो बाबू तुम्हारा हालत ख़राब कर देंगे, एक तो ऐसी तबाह होगी हम और कर देंगे जाकर मार देंगे सिविलियन को, तुम्हारा टेरिटरी को ले लेंगे हम, क्योंकि तुम हार गया है अब क्या कर सकता है, तुम क्या उखाड़ सकता है मेरा, तुम हार गया पराजित हो गया यार, समझ रहे ना, हम चाहेंगे तो पूरा लैंड ही ले सकते हैं तुम्हारा, तो कोई कंसल्टेशन नहीं है, सेल्फिश कैरेक्टर था इसमें पूरी तरीके से। देखो यूनिलैटरल ट्रीटी था, कोई नहीं हुआ उसका पूरी तरीके से, रिवेंज का, फ्रांस का तो रिवेंज का आइडिया था ही है ना, जर्मनी ने अप्रूव नहीं किया मगर बंदूक के नोक पे इनको करवाया गया, ठीक है, इट वॉज अ फोर्सफुली इम्पोज ऑन हर, जर्मनी थ्रेटन ये तुम नहीं करेगा एक दूसरा वार दे देंगे तुमको, उस वार में देख लेंगे क्या करेगा जर्मनी, बोला कि हम तबाह हो गए अब क्या वार हम करें। रिटी वॉज वेरी हार्श एंड सीवियर, जर्मनी वॉज पनिश्ड इन एवरी पॉसिबल, हर एक तौर तरीके से जर्मनी को ह्यूमिलेट करने का प्रयास किया, नींद लग रहा था, सोया हुआ था आधा कच्चा नींद में उठ के आ गए क्या, जब पानी वानी पी लो थोड़ा, तो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी हुआ जर्मनी के लिए बहुत बड़ा, समझे। अब क्या क्या क्लॉजेस था देखो, अल्सेक लॉरेन वाला जो एरिया था जानता है, जो फ्रांस से लिया था जर्मनी ने दे दिया फिर से फ्रांस को, फ्रांस वॉज गिवन द राइट, फ्रांस को राइट भी दिया कि जो कोल रिज जो आपका जो जर्मन का एरियाज है, कोल रिज वाला जो एरिया था सोर वैली करके, वो 15 साल तक आप यूज़ करो, यानी कि अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खूब मजे में रहेगा, उसका इंडस्ट्री खूब चलवाएगा कोल से, कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता, ठीक है, और भी ओवर गिवन टू बेल्जियम को दिया गया है, और भी डेनमार्क को दिया, यानी कि बहुत सारा जर्मनी का पार्ट्स अलग दिया गया है, बेल्जियम को दिया गया है, ठीक है, नॉर्दर्न इसका जो तुम्हारा ओवर गिवन टू डेनमार्क जो ये वाला लिया था बिस्मार्क ने लिया था याद है ना, हाँ ओपर वाला दे दिया डेनमार्क को, ठीक है ना, डेजिक एंड मैनो पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ लीग ऑफ नेशन, अब कुछ दो एरिया को लीग ऑफ नेशन के अंदर, लीग ऑफ नेशन में पूरी तरीके से विक्टर पावर रिप्रेजेंट कर रहा है,
उसमें तो यूएस भी नहीं है ठीक से, और समझे विक्टर पावर लोग का संगठन जर्मनी आर्मी को 1,00,000 में कन्वर्ट कर दिया गया, जितना सब खत्म इतना रखो तुम, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला इतना रखो तुम, यानी पूरी तरीके से अपने हिसाब से कर रहा है। आर्मी वास नॉट, टैंक्स नहीं रहेगा आपके पास। राइन लैंड को डिमिलिट्राइज कर दिया गया, जो इंपॉर्टेंट लाइन था वहाँ पर उसको डिमिलिट्राइज, कोई ओपन ओपन रखोगे नहीं, हमको जब मन होगा अंदर आएंगे, जब मन होगा जाएंगे, समझ रहे हैं हालत ख़राब। अलाइज वेर कीप वे टू कीप ऑन आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन एज वेस्ट बैंक ऑफ राइन फॉर 15 साल के लिए, बाबू वो जो राइन वाला एरिया है उस पर रहेगा निगरानी करने के लिए लोग बैठेगा। जर्मनी को वार कंपनसेशन देना होगा, जर्मनी वे टू साइन ब्लैक चेक, ब्लैक चेक करना होगा, जब जब एलआई बोलेगा इतना भर दो तो भर देगा, यानी कि तुम समझ रहे हैं ना हालत बढ़िया से ले लिया है। और देखो कितना 6,600 मिलियन डॉलर बाबू, कितना क्रिटिकल ऑफ एनालिसिस क्या है ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का, जर्मनी को हर संभव प्रयास किया गया जलील करने का, इसी का बदला है, इसी का बदला हिटलर लेगा। इतना भी किसी को जलील मत करो कि बाबू वो उठेगा तो दानव की तरह उठे और कब खराबे लगे, कंट्री इज ऑल अबाउट ह्यूमन बींग। अब गुस्सा आता है हिटलर को, हिटलर का बताएंगे तो समझ में आ जाएगा हिटलर कितना गुस्सा था इस चीज़ का। उस समय हिटलर एज अ सैनिक काम कर रहा था, वो सब चीज़ अपने आँख से देख रहा था, तो बहुत गुस्सा होगा और वही ज्वालामुखी धधक रहा है उसके मन, और फूटेगा बाद में जाके जब वो डिक्टेटर बनेगा। जर्मनी को हर संभव प्रयास किया ह्यूमिलेट करने का, बहुत ह्यूज कंपनसेशन देना पड़ा, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट विक्टर पावर स्पेशली फ्रांस का उसके एरियाज में ही कर रहा है। जर्मनी हैड टू फेस टेरिटोरियल लॉस, बहुत सारा वो लोडेन और अल्साइक देना पड़ा, राइन वैली फ्रांस को देना पड़ा 15 साल के लिए कि एक्सप्लोटेशन करो बैठ के खूब। जर्मन को पीस टर्म यूज़ करना पड़ा, 14 पॉइंट्स विड्रो बैलेंस का मानना पड़ा, मैं चीट किया गया सेटलमेंट्स वेर था ही नहीं नाम के लिए फालतू का, ये हार्स एंड ह्यूमिलेटिंग था, क्या है का पीस, ये पीस होता है क्या, कहीं पीस का बात ही नहीं, पीस शांति हुआ कि स्टेटस को मेंटेन करो भाई ठीक है जाओ, तो यहाँ तुम हर समय बाबू उसको गिदर भपकी खा गया ना उसको पकड़ के, ठीक है। ये पूरा विक्टर पावर जो चाहता था उस हिसाब से किया, इट वॉज मार्क्ड बाई द एलिमेंट ऑफ रिवेंज, हम जानते हो एनालिसिस करोगे तो फ्रांस ने हर संभव प्रयास किया कि रिवेंज ले ले। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कंटेन द जम्स ऑफ फ्यूचर, हाँ आएगा फ्यूचर का, उसमें जम्स कीड़ा मकोड़ा है तो फिर से वार होगा है ना, और PPC ही लगता है कि एक वार के लिए तैयार कर दिया। द रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वार वॉज सो इंटेंस, इतना इंटेंस हुआ कि आने वाले समय में हिटलर टाइप का आदमी लोग उदय हो गया, डिक्टेटर ऑथो टोटेरियन फॉर्म ऑफ, टोटेरियन मतलब क्या होता है जहाँ एक ही आदमी का सरकार चल रही है, डिक्टेटर। हिटलर जब पावर में आया तो इनइविटेबल हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो होना ही होना, बात समझे ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही लिख दिया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार होगा, कंडीशन ही ऐसा बन गया। तो ये तुम लोग को बता दिया गया, अब देख लो बाबू तुम लोग फिर से मैं, अब जानकारी तो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, बहुत अच्छे से जानकारी आ गया तुम लोग, अब इसको बहुत नूनू बाबू स्टाइल से पढ़ाएंगे। इटली ऑस्ट्रिया हंगरी ये सब जानते हो, करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ मैप भी एक बार देख लो, अब एक बार देख लो कि सर्बिया वाला जो बोलते थे, आप तो सर्बिया का कम से कम देख लो, अब तो ऑटोमैन का रीजन देख लो, ठीक है, अब नीचे थोड़ा देख लो ये भी, चेगो ऑस्ट्रिया यूगोस्लाविया सर्बिया रोमानिया देख लो इसको भी ठीक से, और आगे भी देख लो, आगे ये देख लो ईस्टर्न क्वेश्चन पे, ईस्टर्न क्वेश्चन पे उसमें अच्छे से नहीं दिया गया है, ये भी देख लेंगे, ऑटोमन एम्पायर का जो खाया है, बाल्कन नेशन के इंडिपेंडेंट ऑटोमन एम्पायर से जो हटा है देख लो वहाँ पे, ये सभी सब है टोटल है ऑटोमन एम्पायर ऊपर तक था। तो देखो शुड आई स्टार्ट कि शुड आई क्विट 425, चलो ये बता देता हूँ कि आने वाले समय में क्या पढ़ेंगे, ठीक है एक ब्रेफ बता देता हूँ। देखो चेंजेस डैट टुक प्लेस इन यूरोप बिफोर प्रायर टू वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार होने से पहले क्या हुआ, देखो कॉलोनिज्म आया कि नहीं आया, कॉलोनिज्म आया, देखो कॉलोनिज्म का बहुत सारा पॉइंट है ठीक है, उसमें बहुत सारे प्लांटेशन कॉलोनीज बना, इंपेरियलिज्म आया कॉलोनी से ही, तो इंपेरियलिज्म आया है, कॉलोनी कॉलोनीज्म और इंपेरियलिज्म में अंतर होता है,
कॉलोनीज़ मतलब कॉलोनी बनाना, इंपेरियलिज्म मतलब टेरिटोरियल फैलाना, एक दूसरे का रिजल्ट है। इंपेरियलिज्म मतलब कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन होता है, कॉलोनाइजेशन मतलब इंपेरियलिज्म होता है, दोनों एक दूसरे से वो है। बात समझे? उसके बाद इकोनॉमिक मार्केट वो जानेंगे हम लोग। इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशंस, यस कम्युनिकेशंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है तो इसका भी बहुत ज़्यादा टेरिटोरी लूटने में काम हुआ है। राइज ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म, वही मैड नेशनलिज्म जान रहा है, ये भी रीज़न रहा है। सिविलाइजिंग मिशन, सबको बेवकूफ़ है, हम सबको ठीक करेंगे, समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे मिशनरी सब लोग आ रहे हैं। सिस्टम ऑफ अलायंसेस जानते, इसमें तुमको पता चल जाएगा बहुत अच्छे से कि कैसे बिस्मार्क ने प्रयास किया था बहुत अच्छे से। देखो ट्रिपल अलायंस देख लो ना, लेटर जर्मनी डिड नॉट केयर फॉर रसिया, है कि नहीं है, हेंस रसिया लेफ्ट बट जर्मनी कंटिन्यू टू अलायंस विद ऑस्ट्रिया अलोन, ये ड्यूअल अलायंस बना। देखो यहाँ पे लिखा है, ये समझ जाओगे, मैंने वही बोला तुमको। सिस्टम ऑफ अलायंस में पता चल जाएगा तुमको कि फ्रेंको रशियन अलायंस कैसे हुआ, ट्रिपल एंटेंट कैसे बना। देखो 1902 में है, 1907 में है, बात समझ रहे हो ना, इसे पूरी सिलसिलेवार तरीके से दिया गया है चीज़। मिलिट्रलिज्म किस लेवल पर बढ़ गया, इसमें तुमको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा कैसे कैसे हुआ था, बीच में वेपन्स वगैरह भी इन्वॉल्व था। नैरो नेशनलिज्म, बस अपने बारे में ही सोच रहे हो। विलियम टू के बारे में जानते हो, विलियम टू कुछ ज़्यादा ही जर्मनी के ऊपर बनाना था, सक्सेसर बिस्मार्क, जिसके बाद बिस्मार्क को छोड़ना पड़ा राजगति, ठीक है। पर्शियन स्पिरिट, पर्शियन स्पिरिट हो गया, ये और आगे बढ़ गया, ये लोग यंगर जनरेशन जर्मनी का आगे खींच दिया, पब्लिक ओपिनियन भी वैसे ही था कुछ उसका। ट्रेंटिनो ये भी देख लोगे। ईस्टर्न क्वेश्चन देखो इसमें दिया गया है, 8 नंबर देखो ईस्टर्न क्वेश्चन, ईस्टर्न क्वेश्चन पे बात होगा। इसे बोस्निया देखो, अभी बोले ना हर्जेगोविना, बोस्निया और हर्जेगोविना जो तुम्हारा है वो एरियाज है, ईस्टर्न क्वेश्चन वहीं पे सवाल उठेगा, बात समझ रहे हो ना, इसलिए बोले डिटेल्स में। आप देखो हमने बोला ना कि ड्यूक फ्रांसिस फ्रेडमैन और इसके वाइफ को मारा तो इमीडिएट रीजन बना है वर्ल्ड वार का। यस देख लो चेहरा देख लो इनका, ठीक है, असासिनेट जब कर दिए थे इनको, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द एक्चुअल कोर्स ऑफ वॉर, इसके बाद क्या हुआ, एलाइड पावर कैसे आगे गया, कैसे जर्मनी एंटर द वार टू डिफेंड ऑस्ट्रिया, कैसे कैसे हुआ, और बीच का भी इन्फॉर्मेशन है इसमें। ब्रेस्ट लिपस्टॉक ट्रीटी हुआ है, देखो बहुत सारे ट्रीटी हुआ है बीच में, समझे ना, जर्मनी का फिर सरेंडर होना, इसका रिजल्ट क्या पड़ा, सोशल रिजल्ट क्या पड़ा, देखो इकोनॉमिक रिजल्ट क्या पड़ा, पॉलिटिकल रिजल्ट क्या पड़ा, सेंट्रल पावर के साथ किस तरह, ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स देखो वहाँ पे, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन देखो, सेंट्रल पावर से और भी ट्रीटी हुए थे, ट्रीटी ऑफ ट्राइन देखो, ट्रीटी ऑफ न्यूली देखो, ट्रीटी ऑफ सेवर्स देखो, और भी है डिटेल्स, बहुत कुछ जानना है तुमको छोटे मोटे। और उसके बाद क्वेश्चन सब है यूपीएससी लेवल पे, उसके बाद देखोगे तुम ओरिजिनल ऑप्शनल का, ये जो पढ़ लोगे ना, ये जो बताए हैं अभी, ये पढ़ लोगे तो अपने आप ऑप्शनल तैयार हो जाए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, विल ट्राई टू कवर द क्लास इन टू डेज।